वालेकुम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं मकबूल हुसैन आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इफ़ स्ट्रक्चर इफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसके एग्जांपल्स और डेफिनेशन आज के हम लेक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट इज़ मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही आसान और सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग का मतलब जब भी हमने अगर कोई फ़ैसला लेना हो मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको देखना है कि अगर तो कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और अगर कंडीशन जो है आ, सही नहीं होती यानी फाल्स हो जाती है तो फिर जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी तो इट यूज टू डिसाइड वट असर्चर स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिससे मैंने अभी बात की कि यानी वो एग्जीक्यूट होगी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं जब क्या चीज़ें कंडीशन सही होगी लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं है तो फिर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन शो नहीं होती तो सबसे पहले हम उसका सेंटेक्स देखते हैं सेंटेक्स के मुताबिक यह चीज़ है सबसे पहले इफ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद जो है समीकोलन नहीं डालना आपको यह बात तो बताई गई है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर आप हर जगह पर समीकोलन डालेंगे स्टेटमेंट के बाद लेकिन जो कंडीशन है कंडीशन के बाद समीकोलन नहीं लगता अब सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे और अगर कंडीशन सही है तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है स्टेटमेंट लिखेंगे ये स्टेटमेंट उस सूरत में आएगी जब आपकी कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और उसके बाद जब स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएंगी तो करली ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगी तो ये इसका सेंटेक्स है आगे हम देखते हैं बुलियन वैल्यूज़ बुलियन वैल्यूज़ क्या चीज़ है तो वो भी इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल होता है यानी ट्रू या फास्ट तो हेयस हेयर द कंडीशन आफ्टर वैल्यूशन विल बी आई दर ट्रू आर फास्ट तो कंडीशन चेक करने के बाद हम बताते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो सही हैं या गलत आ रही तो सी इफ़ द स्टेट में एक्सेप्ट द बोलियन वैल्यू इफ़ द वैल्यू इज टू देन इट विल एग्जीक्यूट द्लॉक ऑफ द स्टेट में बिलू इट अदरवाइज आर नाट तो यानी बुलियन स्टेटमेंट में याटमेंट में यही होगा कि अगर तो कंडीशन सही होती है तो एक स्टेज में या स्टेज में का जो गुच्छा है यानी ब्लॉक ऑफ स्टेज में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी वरना स्टेज में शो नहीं होगी और इसके लिए हम क्या करते हैं यानी करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक हो गया जिस तरह मैंने आपको सेंटेक्स में भी आपको बताया गया अब इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्ट स्टार्ट के बाद कंडीशन लगेगी अगर तो कंडीशन सही है तो फिर हम नीचे आएंगे और उसके बाद उसकी जो इफ़ की बॉडी होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी और उसके बाद हम जो स्टेज में जस्ट बिलू ईफ स्टेजमेंट तो यानी इफ इस्टेजमेंट के बाद यानी बॉडी के बाद अगर कोई स्टेजमेंट जाए तो वो स्क्रीन पर शो होगी और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ये उस सूरत में जब जो है वो कंडीशन जो है वो सही होगी लेकिन अगर जो है कंडीशन फाल्स हो जाती है तो फिर हम फाल्स की तरफ मूव करेंगे और इफ़ की बॉडी में नहीं जाएंगे और उस इफ़ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो शो करवाएंगे और अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हैजाफाई लिखी हुई है उसके बाद प्रोग्राम में क्या है कि भी यानी एक वैल्यूज़ है इंच की जिसको हमने एक वैल्यूज़ दी है वेरिएबल में ट्वेंटी और उसके बाद वाई को एक वैल्यू दी है एटीन और अगर हम कंडीशन लगाते हैं ये देखें अगर एक्स बड़ा होगा फाई से तो फिर स्टेटमेंट शो हो जाए कि भाई एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है स्टेज में शो नहीं होगी रिटर्न जो है वो ज़ीरो कर देगा अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम क्या करते हैं जब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम वो ओपन करते हैं तो ये देखें जी मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट जब सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है अब हम इसमें एक वेरिएबल जिक्र करवाते हैं इंट इट एक्स और उसके बाद समीकोलन और उसके बाद दूसरा वेबल क्लियर करवाते हैं इंट वाई ठीक हो गया तो ये हमने वेरिएबल डी क्लियर करवा दिया अब हम वैल्यू देते हैं एक्स की वैल्यू देते हैं जी फिफ्टीन और उसके बाद वाई की वैल्यू जो है हम दे देते हैं ट्वेंटी ठीक है फ़र्ज़ करें हम ये वैल्यूज देते हैं फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है चेंज करते हैं फिर बाद में हम आपको मैं चेंज करना भी सीखाऊँगा अब हम क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं इफ़ की कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन में मैंने बताया था ब्रैकेट लगानी है और कहेंगे एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई यानी अगर तो एक्स वाई से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे करली ब्रैक स्टार्ज करेंगे देखो ना कंडीशन के अंदर कंजीशन ये उसी शो में होगी अगर एक्स बड़ा है तो अब देखें कंडीशन तो अब सही आ रही है तो हम सी आउट में क्या शो करवाएंगे सी आउट में डबल कुशन के अंदर हम शो करवाएंगे एक्स इज जी आ रही है ग्रेटर देन वाई ठीक हो गया और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे और इसके बाद नीचे जो है हम गेट गैर सी एच लिख कर अपना प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं ठीक है जी जिस तरीके से हम यहाँ पर लिख दें जी अब सबसे पहले तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं ये देखो आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए सारा प्रोग्राम अब हम प्रोग्राम को क्या कहते हैं कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ताकि कोई गलती तो नहीं है तो गैर सी एच जो है वो सपोर्ट नहीं करता इसलिए हमें गैर सी एच लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक हो गया तो इसके अलावा अब हम कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम में अब देखिए किसी किस्म की कोई गलती नज़र नहीं आ रही अब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे रन करेंगे रन करेंगे तो ये देखें स्टेज में क्या शो हुआ X y, है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई ठीक है क्योंकि कंडीशन जो है देखो आपके सामने देखा जाए तो यही शो होगा अब हम सफ़ करें वैल्यूज चेंज कर देते हैं अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्वेंटी ठीक है तो अब देखा जाए तो एक्स जो है वो तो वाई से कंडीशन गलत हो रही है तो अब हम देखते हैं क्या शो करवाते हैं सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल करते हैं ठीक हो गया अब उसके बाद जब रन करेंगे तो ये देखिए स्टेज में आउटपुच में कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन तो गलत हो गई है तो इसलिए जब कंडीशन गलत होगी तो फिर आउटपुट के अंदर कोई भी स्टेज में शो नहीं होगी ठीक है उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम आपको समझ आ चुका होगा अब हम नेक्स्ट मजीद प्रोग्राम देखते हैं एक मैसेज शो करवाना है जिसमें पास या फेल का कंसेप्ट देना है यानी यूजर से मार्क्स मांगने हैं और अगर मार्क्स जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू फोर्टी है तो आपने स्क्रीन पर क्या शो करवाना है मुबारक हो आप पास हो गए यानी कर्ग्रेजुलेसन यू हैव पास लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें प्रोग्राम में कुछ भी शो नहीं करवाना अब हम प्रोग्राम इसी को देखते हैं मिसाल के तौर पर अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंट मार्क्स का ये मैं नीचे वाला डिलीट कर देता हूँ जी तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं इंट मार्क्स ठीक है उसके बाद अब हम क्या करेंगे सी आउट यूज़र से वैल्यू लेनी है तो सी आउट और हम की स्टेशन के अंदर क्या करते है? marks, हैं एंटर योर मार्क्स ठीक हो गया समीकोलन डालते हैं और उसके बाद हम सी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं लेसन लैसन और क्या लिखते हैं वेरिएबल का नाम मार्क्स ठीक है अब हम कंजीशन गएंगे कंजीशन में क्या होगा अगर मार्क्स जो है एम आर क्या मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर्टी अगर तो मार्क्स चालीस या चालीस से बड़े हैं तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सी आउट में क्या शो करवा दे, करवा देंगे ठीक है डबो विशेष के अंदर हम कुछ भी मैसेज शो करवा सकते हैं मिसाल के तौर तो पर यू हैव यू हैव पास ठीक है जी अब हमने इसको समीकरण लगा दिया सेम आप इसको चेक करते हैं तो ये देखें सबसे पहले अब कंपाइल किया तो प्रोग्राम में तो कोई गलती नहीं है अब उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखें आपसे मांग रहे हैं एंटर योर मार्क्स तो एंटर योर मार्क्स हम लिख देते हैं फोर्टी फाइव तो जब फोर्टी फाइव लिखेंगे तो कंडीशन के मुताबिक तो कंडीशन सही होगी वैल्यूज़ के मुताबिक तो जब हम ये देखें एंटर का वचन दबाएंगे तो क्या शो हो गया यू हैव पास ठीक है अब इसी तरह फर्ज़ करें हम जो वैल्यू दोबारा अगेन लिखते हैं रन करते हैं अब वैल्यू जो है एंट्री और मार्क्स में अब हम लिख देते हैं फिफ्टीन अब ये देखो जब मैंने फिफ्टीन लिखा है तो इसका मतलब है कन्जीशन तो गलत हो रही है कन्जीशन गलत हो रही है तो इसका मतलब स्टेटमेंट शो नहीं होगी तो जब मैं एंटर का वजन दबाता हूँ तो ये देखें खाली जगह आ गई है स्टेटमेंट शो नहीं हुई उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा नेक्स्ट हम एक मजीद प्रोग्राम देखते हैं जिसमें क्या कहता है कि यानी वो उसमें हमें बताता है कि भी इन यूजर से नंबर लेना है और उसके बाद हमने बताना है कि भाई अगर नंबर जो है वो बड़ा है दस से तो एक मैसेज शो करवाना है भी यानी ए जो है वो बड़ा है ठीक हो गया तो ये सिंपल प्रोग्राम अभी इसी तरह हमने आपको एक प्रोग्राम समझाया है तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा मज़ीद इंशाल्लाह अगर किसी भी किस्म कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर यह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल है इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपको डिफ़िकल्ट लगे कि भी ये प्रोग्राम आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करते मैं उसी का लेक्चर जो है वो बनाकर अपलोड कर, कर दूँगा ताकि आपको आसानी के साथ प्रोग्राम जो है वो समझ आ सकें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फ़ीमानी